वहीं दुनिया से 155 सैलानियों को लेकर गो एयर का विमान गुरुवार को तड़के 2 बजे पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। इस विमान के आगमन के साथ ही बंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर के बीच निजी चार्टर्ड विमान सेवा भी शुरू हो गई। इसके साथ ही गो एयर पहला एयरलाइन ऐसा बन गया है जिसके द्वारा अंडमान क्षेत्र में विमानों की नाइट लैंडिंग करके पोर्ट ब्लेयर में रात में विमानों का वाणिज्यिक रूप से परिचालन शुरू कर दिया गया। रात्रि के समय विमानों के परिचालन के शुरू होने पर अपनी टिप्पणी देते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने हाल ही में पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के उन्नयन के बाद वाणिज्यिक रूप से नाइट लैंडिंग शुरू करने तथा बेंगलुरु के लिए सीटी कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले अग्रणी एयरलाइन बनने के लिए गो एयर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्नत हवाई पट्टी बत्तियों तथा नौचालन प्रणाली के साथ हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाया गया है ताकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वृद्धि और विकास के लिए वाणिज्यिक रूप से रात के समय विमानों की उड़ान एवं आवाजाही की अनुमति मिल सके। उनका कहना है कि अंडमान निकोबार प्रशासन ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, अंडमान निकोबार कमांड तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से हवाई अड्डे का उन्नयन किया है। गौरतलब है कि द्वीपों की उन्नति और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समझे जाने वाले रात्रि विमान की सेवा शुरू करने के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा एयर इंडिया के साथ इस मुद्दे को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया था।